हेलो दोस्तों, पूरब फमकड़ द टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हाल ही में सैमसंग ने 3 न्यू टॉप लोड वॉशिंग मशीन के मॉडल लॉन्च किए हैं। उनमें से एक मॉडल का डेमो आज हम देखने वाले हैं और बाकी दो मॉडल की वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक बिना स्किप करते हुए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से आप मशीन को ऑन कर सकते हो। यहाँ से आप कपड़ों की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारी कपड़ों की कैटेगरी दी हुई है, ये कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। कैटेगरी सिलेक्ट हो जाने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। पहले प्रोग्राम सेट कीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए। यहाँ मानसून का बटन दिया है, मतलब बरसात के दिनों में कपड़े ज़्यादा देर तक सुखाने हो तो आप यहाँ से 15 या 30 मिनट लगा सकते हो। ये वाटर लेवल का बटन है, वाटर लेवल मशीन खुद ही सेलेक्ट कर लेती है, ये लेवल आपको सेट नहीं करनी होती है। ये वॉश टाइम का बटन है, आप चाहे तो यहाँ से वॉश टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो। ये रिंस टाइम का बटन है, कपड़ों को खंगालने का टाइम भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये स्पिन वाला बटन है, यहाँ से आप कपड़ों को सुखाने का टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो। ये अलार्म वाला बटन है, मतलब मशीन को कब शुरू करना है वो टाइम आप यहाँ से लगा सकते हो। ये सुपर स्पीड का ऑप्शन है, मतलब नॉर्मल कपड़े आप काफ़ी कम समय में यहाँ धो सकते हो, सिर्फ 29 मिनटों में। ये इंटेंसिव वॉश है, मतलब चाय के दाग को भी आप यहाँ रिमूव कर सकते हो। ये बबल स्ट्रॉम है, इससे पाउडर का झाग ज़्यादा बनता है, जिससे कपड़े धोने में टाइम काफ़ी कम लगता है। चलिए अब सभी को डिटेल्स में समझते हैं। इन सारे प्रोग्राम को चेक करने के लिए सबसे पहले हम वाटर लेवल सेट कर देते हैं, ताकि हमें प्रोग्राम के साथ टाइम भी दिखता रहे। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब रेगुलर कपड़ों के लिए 43 मिनट्स। अब साइकिल के बटन से हम इसे चेंज करेंगे। क्विक वॉश मतलब 34 मिनट्स, जो जल्दी धोने के लिए होता है। डेलिकेट्स 37 मिनट्स का है, जो सॉफ्ट कपड़ों के लिए होता है। बेडिंग मतलब सादा बेडशीट वगैरह, जो 1 घंटा 23 मिनट का है। बेबी केयर छोटे बच्चों के कपड़े। जीन्स 57 मिनट्स। एनर्जी सेविंग में आप चद्दर वगैरह धो सकते हैं। एक्वा फ्रिजो में सिर्फ धोना और खंगालना होगा, इसमें कपड़े सूखते नहीं हैं। रिंस पिन मतलब आपने बाहर कपड़े अपने हाथ से धो लिए और मशीन में सिर्फ खंगाल कर सुखाना हो। इको टब क्लीन मतलब हर महीने में एक बार आपको साफ सफाई करनी है टब की, जो इको टब क्लीन से करनी होती है। इसको 1 घंटा 49 मिनट का टाइम दिया हुआ है। कपड़े धोने के लिए सबसे पहले पावर ऑन कीजिए। अगर रेगुलर कपड़े हो, मिक्स कपड़े, तो नॉर्मल पे लाइट रखना है आपको, और उसके बाद में फिर स्टार्ट कर देना है। बस इतने ही प्रोग्राम सेट करना होता है। अब सेकंड ऑप्शन के लिए, अगर जल्दी धोना हो तो क्विक वॉश है, आपको ये क्विक वॉश पे ऊपर लाइट लाना है और फिर स्टार्ट कर देना है। अगर आपको डेलिकेट्स मतलब सॉफ्ट कपड़े धोना हो, तो आप पहले डेलिकेट्स पे लाइट लाइए और फिर स्टार्ट कीजिए। इसी तरह से आप सारे फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो साइकिल के बटन से, और फिर स्टार्ट कीजिए जो भी आपको प्रोग्राम सेट करना हो। अगर आपको बेडशीट धोना है, तो यहाँ दिया हुआ है बेडिंग, पहले पावर ऑन कीजिए। जो नॉर्मल पे लाइट है उसको यहाँ पर लाइए ये वाले बटन से। जैसे कि डिस्प्ले के ऊपर दिया हुआ है 1 घंटा 33 मिनट, और ये तीनों फंक्शन चालू हो जाएंगे, मतलब धोना, खंगालना और सुखाना, और फिर आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। और अगर आपको इको टब क्लीन करना हो, जैसे नीचे इको टब क्लीन ऑप्शन दिया हुआ है हर महीने में एक बार, तो सबसे पहले आपको इको टब क्लीन के ऊपर आना है और फिर स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट ये सबसे लास्ट में ही करना है आपको। इनमें से जो भी आपको प्रोग्राम सेट करने हो, ये स्टार्ट करने के पहले ही सेट करने होते हैं। जैसे अभी ये मानसून है, आपको पावर ऑन करना है, उसके बाद में आपको कौन से कपड़े धोना है उसके ऊपर लाइट सिलेक्ट करना है। जैसे जो भी प्रोग्राम हो, ये वाले बटन से लाइट सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको ये मानसून बटन यूज़ करना हो, जैसे ज़्यादा कपड़े सुखाने हो तो आप 15 या 30 मिनट लगा सकते हो। चलिए आपको टाइम भी बता देते हैं।
नॉर्मल पे टाइम है 43 मिनट्स धोना, सुखाना और खंगालने के लिए। अगर इसमें आप 15 मिनट ऐड करते हो तो यह 58 मिनट का प्रोग्राम हो जाएगा, और 30 मिनट ऐड करते हो तो 1 घंटा 13 मिनट का प्रोग्राम सेट हो जाएगा। ये मानसून मतलब ज़्यादा देर तक कपड़े सुखाने का प्रोग्राम होता है। उसके बाद में फिर आपको स्टार्ट कर देना है, 15 मिनट हो या 30 मिनट हो, जो भी सेट कर देने के बाद में आपको स्टार्ट करना होता है। अगर ये प्रोग्राम आप नहीं लगाते हो तो 43 मिनट्स में धोना, खंगालना और सुखाना तीनों हो जाएगा। ये वाटर लेवल है, वैसे तो मशीन कपड़ों के अकॉर्डिंग खुद ही पानी सेट करती है, कपड़े कितने केजी के हैं और उसमें कितना पानी लेना है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से वाटर लेवल कम ज़्यादा कर सकते हो कपड़ों के अकॉर्डिंग। आप यहाँ से कपड़े धोने का टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से, और यहाँ से कपड़ों को खंगालने का टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो। ये स्पिन वाला, यहाँ से आप कपड़े सुखाने का टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो। ये चारों ऑप्शन मशीन खुद ही लेती है, लेकिन अगर आपको करना है कम ज़्यादा तो आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हो। अब ये चारों ऑप्शन को हम डिटेल में समझते हैं। ये डिले एंड है, डिले एंड मतलब आपको कितने घंटे के बाद मशीन चालू करनी है वो टाइम आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे भी डिस्प्ले के ऊपर 1 घंटा लगा हुआ है और ये 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो इस तरह से आप टाइम लगा सकते हो कि आपको मशीन कितने घंटे के बाद चालू करनी है। ये सुपर स्पीड वाला बटन है। अगर आपको नॉर्मल के कपड़े धोना हो ये वाले, तो इसका टाइम होता है 43 मिनट्स, लेकिन अगर आप सुपर स्पीड यूज़ करते हो तो टाइम सीधा हो जाएगा 25 मिनट पे, मतलब 18 मिनट आपके कम हो जाएंगे। जो 43 मिनट्स था इस पे आपको 25 मिनट्स में ही कपड़े धुल जाएंगे। ये होता है सुपर स्पीड का बेनिफिट। ये सुपर स्पीड काम कैसे करता है, तो यहाँ पर देखिए ये वाटर जेट है, ये सुपर स्पीड के लिए ही काम करता है। यहाँ पर ये पानी को शावर प्रेशर देता है जिससे कपड़े जल्दी धुलते हैं और एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये वाटर जेट है जो सुपर स्पीड के लिए काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका टाइमिंग भी दिया हुआ है, जो 43 मिनट्स लग रहे थे नॉर्मल, वहाँ पर 29 मिनट्स ही लगेंगे। ये इंटेंसिव वॉश है, ये आपको कब यूज़ करना है, जब कपड़ों में कोई चाय के दाग लगे हो या फिर कोई ऑयल के दाग लगे हो, तो तब आपको ये इंटेंसिव वॉश यूज़ करना होता है। ये प्रोग्राम कैसे सेट होगा, जैसे नॉर्मल पे 43 मिनट्स था, इसको अगर आप ऑन करते हो तो ये 53 मिनट्स का प्रोग्राम हो जाएगा, मतलब 10 मिनट बढ़ जाएंगे, जिससे वॉश टाइम 10 मिनट का बढ़ जाने से कपड़ों का रिजल्ट अच्छा मिलता है। ये बबल स्ट्रोम है, इसको प्रेस करने से टाइम कम हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये जो डिस्पेंसर होते हैं, यहाँ आप स्टिकर के ऊपर झाग देख सकते हो, यहाँ पर जो आप पाउडर वगैरह डालते हो, पाउडर डालने से क्या होता है, जो पानी का प्रेशर आता है उससे डिस्पेंसर की स्पीड बढ़ जाती है और वो पाउडर का झाग जल ज़्यादा हो जाता है, जिससे कपड़े धोने में टाइम कम लगता है। यहाँ आप देख सकते हो फास्टर बबल स्ट्रोम, इससे झाग काफ़ी जल्दी तैयार होता है बबल स्ट्रोम से। अगर ये नहीं करते हो आप तो 43 मिनट्स का टाइम नॉर्मल रहेगा। अब और एक नई सेटिंग देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो वॉश, रिंस और स्पिन, ये तीनों प्रोग्राम ऑटोमेटिक काम करते हैं। अगर आपको सिर्फ कपड़े सुखाना हो तो ये वाला बटन 3 सेकंड दबा के रखिए, तो वॉश और रिंस मतलब धोना और खंगालने का लाइट बंद हो जाएगा और सिर्फ़ एक ही लाइट लगेगा 14 मिनट के लिए। तो इसमें सिर्फ कपड़े सूखते हैं, अगर आपने बाहर कपड़े धो लिए और इसमें सिर्फ सुखाना, तो आप ऐसा कर सकते हो और उसी बटन से आप टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो। इस वीडियो के चलते अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे कपड़े सिर्फ सुखाना हो तो पावर ऑन कीजिए, इसको 3 सेकंड दबा के रखिए, 14 मिनट आने के बाद में स्टार्ट कर दीजिए। ये सिर्फ कपड़े ड्राई करने के लिए था। अब चलिए मशीन के अंदर के फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको डिटर्जेंट डालना है, जैसे पाउडर हो या लिक्विड हो। यहाँ पर आप ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लीच लिक्विड यूज़ कर सकते हैं आप।
और ये जो टब होता है इससे जुड़ा हुआ एक बॉक्स है जहाँ पर आप कंफर्ट वगैरह डाल सकते हो, कंफर्ट इजी वगैरह जो भी रहता है, स्वेटर वगैरह ऐसे कपड़ों के लिए जो सॉफ्ट सॉफ्टनर यूज़ होता है वो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। ये फिल्टर है जिसे मैंने हर वीडियो में बताया होगा कि इसको आपको हर हफ्ते में 2 से 3 बार साफ़ करना होता है। अंदर आप फर्सिलेटर देख सकते हो, इस मॉडल में फर्सिलेटर चेंज हुआ है, बाकी सारे मॉडल में फर्सिलेटर सेम आता है। पर्सनली मुझे इस मॉडल का फर्सिलेटर काफ़ी पसंद आया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सैमसंग ने 3 मॉडल लॉन्च किए हैं, उसमें से 2 मॉडल सेम ही होते हैं, जो मैंने भी एक आपको डेमो बताया और एक दूसरा मॉडल है, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि इस मॉडल में सुपर स्पीड है और उसमें स्मार्ट कंट्रोल है। स्मार्ट कंट्रोल मतलब आप अपने मोबाइल से मशीन को ऑपरेट कर सकते हो और उसके लिए आपको सैमसंग का स्मार्ट थिंग्स ऐप्स डाउनलोड करना होता है जिसके थ्रू आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।